तुमने लिफ्ट नहीं कराई? सच सच बोलो, तसव्वुर के होते हुए तुम लिफ्ट करा नहीं सकती मुझे? क्या मतलब? क्या क्या तसव्वुर? हाँ 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 बताओ, मैं मतलब क्या है फिर? झूठे मक्कार, खानसामा बना हुआ है यहाँ पर, और वो तेरी बीवी तुझसे बड़ी झूठी है। देखो खानम को अपनी माँ समझता हूँ, और ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उनको बोले शेर शारियाँ जो फेंक रहे ना, वो ये छोड़ दे अब, अच्छा नहीं लगता। और वो करें जिसके लिए आए, बख्तों का इलाज। हमारी खानम है वो, सिर्फ और सिर्फ हमारी। अब अगर छिछोरी शायरी की तो याद रखना, चांद नगर बहुत बड़ा है। इस घर के किसी कोने में मार कर दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन मोंटर साहिबा, आपको कभी मोहब्बत हुई है? हाय अल्लाह, तौबा, ये कैसा सवाल है? भाई मुझे कहा गया था मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो मैंने पूछ लिया। और उस वक्त तौबा नहीं करते जब जुमले कसते मेरे पे, ऐसे पर्सनल पर्सनल कमेंट मारते मेरे मुंह पे। भाई तुम लोग कुछ भी कहिए, मतलब नहीं कि जिंदगियों में घुस जाओ। अच्छा शट अप, चिता को जवाब देना होगा तो करेगी, वरना आगे चलेंगे। वैसे भी जवाब तो मैं पता ही है। तैमूर ठीक कह रहा है, हम सब उसके साथ बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। मैं जवाब दूंगी। मोहब्बत वोब्बत का तो पता नहीं, लेकिन शिजा की नई स्माइल चेकआउट की आप लोगों ने? हाँ जी हाँ जी, चेंज हो गई है ना, पुरानी वाली तो बहुत ही ना, ना वो भी चंगी थी, लेकिन अभी वाली तो वो ये वाली थी ना। बुरी बात, पहले की मुस्कुराहट भी बड़ी प्यारी थी और नई वाली भी है। अच्छा चलो, नई वाली ज्यादा प्यारी है, लेकिन मजाक मतलब इस बदली हुई स्माइल के पीछे मोहब्बत तो नहीं गई? ये सवाल नहीं था। वैसे जब तुम लोगों के पास हर बात का जवाब है तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मैं चली जाती हूँ। नहीं, 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 पीछे क्या राज है? ये भी सवाल नहीं था। हाँ ये था ना कि मोहब्बत किससे हुई है? तो क्या था भाई, मोहब्बत हुई कि नहीं? तो बता दो, और ये भी बता दो किससे हुई है, किससे हुई? खानम, खानम से। हमसे? ये तो चीटिंग है यार, ये मस्का मार रही है खानम, मतलब खानम से कैसे हो सकती है मोहब्बत? बिल्कुल हो सकती है खानम से मोहब्बत, हर तरह की मोहब्बत होती है, हो गई तो हो गई, खानम खानम है मतलब, ऐसे थोड़ी। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहादुरी से जिंदगी में शामिल होना पड़ता है, उसे महसूस करना होता है, उसे जीना होता है। ये सब मैंने खानम से सीखा। बाहर से खड़े होके तमाशा देखने को जीना नहीं कहते। शाबाश। एक सेकंड भांजी जी, ये बात हमारे साथ ज्यादती कर रही है, जिंदगी भर हम आपसे ही कहते रहे। यस मामू, लेकिन ये बात समझ मुझे खानम की जबान में आई। चले अच्छा है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको ये बात उनकी जबान से समझ में आई जिनसे आप मोहब्बत करती हैं। वाह वाह शायर मामू वाह, बस ये वाली बातें सिखा दो और मौके पे करना सिखा दो ना, तो मैं बता रहा हूँ गेम बन जाएगी। दिखाएंगे, गेम खत्म हो जाए फिर जरूर सिखाएंगे। ठीक है। ने हंगामे में खानम को हमारी याद क्यों आएगी? हम तो जैसे अब आए ही नहीं। हमसे भी पूछे कोई हमारा सच, हमारे दिल की बात।
हाँ भाई म्यूजिक 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 नो चीटिंग अब सवाल करेंगे मॉनिटर साहिबा कायनात बीवी से काश ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पास कर देता ऐसे सवाल करता कि पता चलता तुम्हें कि मैं कैसे सवाल करता अल्लाह का शुक्र है तुम नहीं पूछ रहे पूछो शिजा पूछो कायनात तुम बताओ तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है तसव्वुर कर लो इमेजिन कर लो इमेजिन कर लो और बता दो कि क्या है मोहब्बत तसव्वुर तू किधर था सारे चाय मांग मांग के पागल हो गए मैं बना देता हूँ चाय आंख लग गई थी हाँ तो जा जा चाय बना चल मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है लेकिन इतना जानती हूँ कि किसी के लिए अपना आप भुला देना ही मोहब्बत है मोहब्बत में वो सब कुछ करना जो जिंदगी में कभी ना किया वो सब सहना जो कभी ना सहा हो मोहब्बत के बारे में आशिकों का कहना है मोहब्बत में मुश्किलों को हंस हंस कर सहना वाह बाबू वाह इसी बात पे एक शेर डाउनलोड हो रहा है कहो तो अभी सुनाऊं नो शेर और शायरी अच्छा खानम बचपन से ही बस मतलब ऐसे ऐसे लिख दिया करते थे बस आमद होती थी तो ऐसे एकदम इरशाद खानम जी आपको भी शायरी का शौक है थोड़ा बहुत है बस पढ़ने की हद तक किसे पढ़नी है आजकल आजकल फैज साहब अरे वाह 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 मेरे ख्याल से अगर हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए रोक दें और खानम जी से गुजारिश करें कि वो हमें फैज साहब का कोई कलाम सुना दें क्या ख्याल है एक मिनट यार भाई खानम शायरी सुनाए और शमा ना जले मतलब ऐसे कैसे हो सकता है क्या कह रहे हो नहीं नहीं खानम देखे माहौल बन रहा है प्लीज टोकिएगा नहीं प्लीज प्लीज यार रखो शमा अदब की बात है अदब की बात सेंटर खानम जी अच्छा फैज साहब माफ कर दीजिएगा खानम जी इरशाद मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए यूं ना था मैंने फकत चाहा यूं हो जाए और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं असल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग तू नूरे महताब है तुलूए आफताब है मेरी धड़कनों का रक्स है
मेरी रूह का रबाब है, मेरी चश्मे नम का सुरूर है और सुकून बेहिसाब है। मैं सब तज निकल पड़ूं, तू ऐसा इनकलाब है। ना मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है। ये मोहब्बतें नाकाम कितनी कामयाब है। माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप, तोड़ डालो माइक, बहुत डाला, बहुत डाला। मेरे ख्याल से आज के लिए गेम काफी हो गई, इसको यहीं रोक लेते हैं, कल सुबह फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अभी तो मजा आने शुरू हुआ था मामू। हाँ नहीं तो क्या, और अभी तो हमने सिर्फ नज़में सुनी हैं, खानम से उनका सच तो पूछा ही नहीं। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आज के लिए काफी है, देर हो गई है, हम सब ने सहरी के लिए भी उठना है, सोना चाहिए। हाँ सहरी, हम तो भूल गए सहरी। चलिए चलिए जसूसी रोजा मामू। बीबी साहब चाय? नहीं हमें अब चाय की तलब नहीं है, बाकियों को पिला दीजिए। मुझे यस करा दो। हम पी लेंगे, इतनी मेहनत से बनाई है ना। हाँ बावर्ची इधर ले भाई चाय। इंसान होते हैं बावर्ची भी। वैसे पता है मैंने ना बीबी साहब कभी भी ऐसे करते नहीं मुझे देखा, बड़ी खुश थी वो आज। चाहता थी मामू चाय। हाँ चाय का कुछ मजा शजा नहीं आया ना, है अजीब सी चाय थी, मैं सहरी में बना के पिलाऊंगी सारों को, मजा आएगा फिर। कुछ लोग सबकी आंखों के देखने को बने ही नहीं होते, उनको देख के पाने के लिए एक खास नजर, एक खास दिल की जरूरत होती है, पर इनको तो कोई देख ही नहीं पाया आज तक। आप देख रहे हो और बहुत देख रहे हो, और ये हम देख रहे हैं। चाय पिए मियां, चाय पिए। आना, आपने हर वो काम किया जो हमें ना पसंद, कम से कम इतना कह देती कि हम आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, इतना जलील तो ना करती। दे दो मैं काम से गया हुआ था। क्यों तुम तो मेरा वेट कर रही थी? नहीं मेरे कोई काम था मुझसे। हेलो काम मैं सारे अपने खुद करती हूँ, मैं तो तुम्हें फोमो फील करवाना चाह रही हूँ। तुम्हें पता है आज इतनी फन नाइट थी जो तुमने मिस की, आज पता है चांद नगर की निशिस थी, निशिस। निशिस? एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, इतनी सारी लाइट्स थी, मायने इतना अच्छा सेटअप किया था, और फिर कैंडल्स थी, और तुम्हें पता है खानम ने ना नज़्म पढ़ी थी। बताओ किसकी? फैज़ अहमद फैज़ की। तुम्हें पता है वो कौन है? तुम्हें क्या पता होगा, मुझे पता है, बहुत बड़े शायर हैं वो। हाँ और फिर मामू ने, आई मीन शिजा के मामू ने, उन्होंने भी नज़्म पढ़ी, वो भी ठीक ठाक, फिर शायरी की। हम काफी इंप्रेस हो गए थे,
लेकिन उसके बाद ना सब कुछ बोरिंग होने शुरू हो गया था, तो मैंने कहा कि मुझे गेम आती है। वो किसी को भी नहीं आती थी, पासिंग द कुशन इतनी कोई फेमस गेम है लेकिन किसी को नहीं आती थी। तो उसमें होता ही है कि माई ने ना म्यूजिक ऑन किया, तो जो बंदा क्वेश्चन पास करता है ना, और फिर जिसके पास वो क्वेश्चन आता है, तो जिसने पास किया होता है ना वो क्वेश्चन आने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पास किया तैमूर ने, और क्वेश्चन आ गया किसके पास? शिजा के पास। और तुम बस गेस करो उस चीपो ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा। उसने पूछा, शिजा तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? शिजा तू तो आंखें पड़ गई, बिल्कुल लाल हो गई। और फिर हमें भी थोड़ा सा ख्याल है, मैंने नहीं शिजा मतलब इजी सीन है, नहीं बताओ, पर्सनल क्वेश्चन है। तो उसमें मुझसे पूछा होता ना, मैं ऐसे टका सा जवाब देती ना उसको, चीपो को। लेकिन खैर, तो फिर उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो भी बहुत चीपी है। उसने कहा मैं जवाब दूंगी, लेकिन उसने जवाब क्या दिया कि उसको खानम से मोहब्बत हो गई। ऐसी कोई डॉज दी उसने, ऐसी डॉज दी है तैमूर तो, मतलब उसने कहा कि मेरा चांस ही मिस हो गया, वरना ये जवाब तो वो देता, इतनी जो बटरिंग करता है, तो मेरे पास आया नहीं, वरना मैं ये कह देती। एनीवे, तो उसके बाद तुम सुन भी रहे हो मैं जो कह रही हूँ? हाँ, शिजा को मोहब्बत हो गई थी। किससे? फैज अहमद फैज से नहीं। मैंने ना नोटिस किया रोहित, तुम मेरी कोई बात सुनते नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे बातें सुनाते हो। मैं इतनी डिटेल में तुम्हें टॉप टू बॉटम पूरी कहानी सुना रही थी, इतनी डिटेल में एक एक सीन मैंने तुम्हें बताया, और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम सुन भी नहीं रहे हो। टाइम क्या हुआ वैसे? मैं कोई घड़ी दिखती हूँ तुम्हें? अलार्म क्लॉक हूँ मैं, 1:30 बज रहा है। तो तुमने नई जॉब ज्वाइन की है ना? और नई जॉब पे नींद पूरी करके फ्रेश होके जाते हैं, वरना वो फायर भी कर देते हैं। फायर नहीं कर सकते वो मुझे, मैंने फायर नहीं होना, तुम पहले नहीं बता सकते थे? इतनी तुम बातें करते हो ना, तुम्हारा तो कुछ फोकस ही आउट है। फैज अहमद फैज बहुत बड़े शायर हैं। थैंक यू। सॉरी। हाँ, किस लिए? बहुत ही ज्यादती सवाल पूछ लिया सबके सामने, नहीं पूछना चाहिए था, रॉन्ग बात हो गई ये। नहीं, रॉन्ग नहीं था, अहम सवाल था, ऐसा सवाल जो अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, खुद को जानने में मदद करे। सवाल कुछ और था लेकिन पूछ कुछ और रहा था, क्या मोहब्बत के बगैर जीना भी कोई जीना है? इतना सोच के मैंने सवाल नहीं किया था जितना तुमने मेरे सवाल पे सोच लिया। एक और सवाल पूछूं? लोड हो रहा है ना? हो या लोड हो गया, अब पूछ लूं? पूछो पूछो, क्या याद करोगे? अच्छी खासी हो तुम, नहीं मतलब अच्छी भली हो भाई, अच्छी हो तो कैसे किसी को अच्छी नहीं लगी तुम? याद है जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी? याद है, अभी की तो बात है। तब मैं कैसी थी? मैं
छोड़ो ना, मैं बताऊंगा तो तुम ऐसी गुस्से हो जाओगी मुझसे। नहीं होंगी। सच पूछो ना तो टॉर्चर थी भाई तुम, कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। और जब तुमने कहा था ना कि तुम जा रही हो घर छोड़ के, तो सब खुश हो गए थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी, अल्लाह की कसम। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जिंदगी को दूर से देखती थी हमेशा। मुझे लगता था ये बहादुरी है, अकेले रहना, कुछ महसूस ना करना, किसी के करीब ना जाना। लेकिन ये बहादुरी नहीं है, दुख से डर के बैठ जाना, अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर लेना बुजदिली है। ये मैंने यहाँ आके सीखा। बंदी को ना बहादुर होना चाहिए, और तुम हो एक लड़े के लिए जो मैंने तुम्हें बुजदिल समझा। बंदी? हाँ हो, सुपर बंदी हो तुम, जैसे सुपर मैन होता ना उस तरह तुम सुपर बंदी हो। इतना क्यों हंस रही हो? बंदी पे हंस रही हो? तुम्हारे यहाँ बंदी नहीं कहते क्या? बंदी बंदी। 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 वो देखो बंदी। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था तो सोचा कि तू है तो दरख्शा है हयात। कौन है? बख्तू, मैं माई सैरी लेके आई हूं तेरे लिए। माई? आ जाओ ना अंदर आ जाओ। देख बख्तू, अगर तू होश में है और तुझे दौरा नहीं पड़ा तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगी, वरना मैंने भाग जाना है। अल्लाह पाक की कसम मुझे कुछ नहीं हुआ, अंदर आ जाओ भाई। आ जाऊं फिर मैं? आ जाओ ना माई आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देख, तुझे दौरा पड़ा फिर मुझे भी दिल का दौरा पड़ गया तो मेरा कत्ल तेरे सिर पे आ जाएगा। माई, मैं कोई दरिंदा थोड़ी हूं कि मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। अंदर आ जाओ ना खुदा का वास्ते। अच्छा, आ रही हूं फिर मैं। अल्लाह मदद, 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 अल्लाह मदद। माई, हाय बख्तू, ये क्या हाल हो गया तेरा? वक्त ने बख्तू को क्या से क्या बना दिया भाई। अब लोग मुझसे डरते हैं, मेरे पास नहीं आते, दूर भागते।
नहीं नहीं बख्तू, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पता है बीबी साहब तेरे बारे में बड़ी परेशान है, हर वक्त पूछती रहती है तेरा। अभी भी तो उन्होंने मुझे भेजा ना यहाँ पे, वो तो सफर ने मना कर दिया था इधर आने से। तो बस तू ज्यादा परेशान ना हो, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर तू बाहर भी आ जाएगा। भाई मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू करवाया हुआ है। कह तो तू ठीक रहा है, वरना बीबी साहब से ऐसे कभी ना कहता तू। बीबी बीबी साहब को क्या बोल दिया मैंने? तूने कहा था खानम वहीं खड़ी रहे, बीच में ना बोले। नहीं नहीं हो सकता है, मैं ये बोल ही नहीं सकता हूँ ना बीबी साहब को, ये झूठ है ना। तूने बोला है ना ये बक तू? मैंने नहीं बोला होगा ना भाई। अच्छा मेरे हाथ खोलो, मैं अपना मुंह पीटना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, देख तेरा मुंह मैं पीट लूंगी लेकिन तेरे हाथ नहीं खोलूंगी मैं। नहीं मेरे हाथ खोलो, मैं अपने हाथों से अपना मुंह पीटना चाहता हूँ, फिर मुझे सहरी भी तो करनी है ना। तेरे हाथ अगर बंधे ही रहे हैं तो फिर तू खाता पीता कैसे रहा है? वो तसव्वुर का बच्चा बावर्ची वो खिलाते रहे। अच्छा अच्छा, लेकिन देख मैं ना तुझे अपने हाथों से खाना खिला दूंगी लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं खोलूंगी, बस। भाई तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? क्या करूं, मजबूरी है ना, तूने भी तो इतना हल्ला मचाया है हर जगह पे, बस तेरे हाथ नहीं खोल सकते। अच्छा चलो, अगर तुम जिद कर रही हो ना तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। कितना तेज है तू बख्तू, ये वाली बात तू मिनट में मान गया है? माई मैं तेज मेज नहीं हूं ना, बीमार हूं। चल फिर। पहले पानी का गिलास पिला दो ना। कुछ भी नहीं करूंगा ना, क्या हो गया? पीना। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही फकान भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये अच्छू फजाई का ठिकाना है, और यहाँ किस्मत वाले पूछते हैं। ये तो मेरी उससे रिलैक्स लैक है, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं और तू कह रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है। कहाँ ही अच्छा फिजाई, दो दिन से सुन रहा हूँ उसकी कहानियाँ। ओए अच्छा नहीं अच्छू, उसने कहना उन कहना बहुत खतरनाक आदमी है ये। क्या है फरकान, ओ किधर है तू, किधर है? अरे क्या रे, तू तो लाहौर का ही होके रह गया है। लेकिन लाहौर में तूने अपना ज्यादा नाम नहीं बनाया, मकाम नहीं बन सका तेरा, तू वही छोटे का छोटा गुंडा रह गया है। अभी देख तूने और मैंने एक साथ काम शुरू किया था, हैं? तेरा भाई किधर पहुंच गया है, तेरा भाई अच्छू फजाई पूरे कराची को अपने नाम कर चुका है रे। अरे कराची का छोटा बड़ा गुंडा, लफड़ा करने वाला, जेब कतरा, चोर उचक्का, अभी सभी तेरे भाई अच्छू फजाई के हाथ के नीचे काम करते हैं रे। अरे मैं तो कहता हूँ फुरकान तू इधर कराची आ जा रहे मेरे पास। हाँ, हाँ, अरे मेरे को मैनेजर की जरूरत है रे। और नहीं क्या है ना अच्छू, तुझे पता है लाहौर मुझ में और मैं लाहौर में हूँ, यार ये रिश्ता नहीं टूट सकता। अच्छा मेरी बात सुन, ये है वो लड़का, अरे जिसकी मंगेतर भाग गई है किसी के साथ।
अरे तू क्यों नहीं भागा, लगड़ा है क्या रे? अरे फुरकान, मैं तो इस जीरो की शक्ल देख के समझ गया था कि इसके साथ कोई लड़की नहीं टिकेगी रे। और तू इतना छोटा चिंदी काम लेकर आ गया है रे, क्या जीरो को लेके आ गया तू? अरे नहीं अच्छू भाई, ओ इस लड़के की तू कोई औकात ही नहीं है। ओ बात अब मेरी है, बात ये है कि मैच पड़ गया, उस लड़के ने बड़ी धमकी दी है, दुश्मनी हो गई है। कान क्या बात कर रहा है रे? अरे तेरा दुश्मनी मेरा दुश्मनी है? अभी तू बेफिक्र हो जा रहे फुरकान, अपन दुश्मनी निभाएगा। अरे देख लेंगे उसको रे, कौन है वो दिखाओ मुझे, शक्ल दिखाओ कौन है, हम भी देखे ना कि कौन है, कितने पानी में। ये कुछ लड़का देखा देखा लगता है रे। और ये साथ लड़की कौन है रे? ये मेरी मंगेतर है। तेरी बगैरती का भी लेवल है रे जीरो। वाह हीरो। करते हैं कुछ, करते हैं इस लड़के के लिए, कुछ करते हैं इस फंटर के लिए, लगाते हैं इसका फील्डिंग। अरे 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 अरे, जल्दी से गुड लक कह दे, पहले दिन ही लेट हो गई हूँ। हाँ हाँ, गुड लक गुड लक, सब खैरियत से हो जाएगा, परेशान मत हो। कैसे जा रही हो? कैब मंगवा लिया। अच्छा, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बताना, कोई परेशानी ना लेना। हाँ आप ही को बताऊंगी, खाना मोर मेरा है ही कौन। आराम से जाना। हाँ आप कर ले। हाँ हाँ, वही चाहिए। दाफिस। अरे क्या रे, अरे बोला भी था, बोला था कि इफ्तार के बाद की सेटिंग रखना रे। अरे रोजे में मुझसे काम नहीं होता रे। लेकिन एक बार की बात तुम लोग की समझ में नहीं आती रे। अच्छा भाई, हमने तो भरपूर फील्डिंग लगाई थी, लेकिन वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, सारा सारा दिन घर में रहता है भाई। और अच्छू भाई, आपने कहा था कि इसको बाहर से उठाना है, घर में दाखिल नहीं होना। अरे वाह रे वाह, अगर वो तेरे से बोलेगा कि घर में आके मुझको उठा लो रे, तो तू क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छू भाई बोले कि बाहर से उठाना है रे। वन पीलेस ऑयल अंचोली, अंचोली चिली इन लार्ज पानदान, पानदान। एक बार हमारी शादी हो गई ना तानी, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। तुम नौकरी के लिए थोड़ी बनी हो, तुम तो राज करने के लिए बनी हो। शादी हो जाए बस, एक बार खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए, लो फैट वाला, ऑयल डालेंगे इसमें, और ये ये क्यों जा रहा है इसके पीछे? ये पीछा कर रहा है तानी का, सुधरेगा नहीं ये लड़का। तानी का पीछा करेगा ये, इसकी इतनी जरूरत? अच्छा भाई, वो अबे क्या वो, बोल भी तो सही, वो आ रहा है अच्छू भाई। अबे क्या सैलाब आ रहा है रे? नहीं नहीं अच्छू भाई, वो आ रहा है। उठाओ उठाओ, चलो चलो चलो, अरे जाओ ना रे। आओ आओ शिजा। अस्सलाम वालेकुम खानम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सी किताब पढ़ रही हो? मिस्ट्री नॉवल है खानम। हाँ अच्छी बात है, हम भी एक जमाने में ऐसे ही नॉवल पढ़ा करते थे। जहन मसरूफ रहता है ना,
क्या हो गया है तसव्वुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? बीबी साहब वो क्या, वो बोलो ना, हमारा दिल बैठा जा रहा है। वो मैं सौदा लेके आ रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग आए गाड़ी से, तैमूर भाई के सर पे डंडा मारा, उसको गाड़ी में डाला और अगवा करके ले गए। क्या अगवा करके ले गए? क्या कह रहे हो तसव्वुर, तैमूर कोई अगवा करके कैसे लेके जा सकता है? पागल पागल हो गए हो क्या? कौन से सस्ते रशे कर रहे हो? कभी देखा है ऐसे असली जिंदगी में होते हुए? कितना खूबसूरत नौजवान, लंबा चौड़ा, स्वीट क्यूट सा आदमी घर के बाहर कदम रखता है, उसके सर पे कोई डंडा मारता है और उसको अगवा कर लेता है। मतलब जो कुछ फिल्मों में होता है वो इसी घर में हो रहा है। मेरी बात सुन लो तसव्वुर, तैमूर को किडनैप करना इम्पॉसिबल है। सुनो तुमने शीजा बेबी, वो आपकी वो रोबोट वाली तसव्वुर, अक्सर शौक लगने की वजह से इंसानी रवैये तब्दील हो जाते हैं। ये नहीं देखा तुमने फिल्मों में? देखा है देखा है, वो सर पे डंडा लगता है, याददाश्त गुम हो जाती है, फिर पत्थर लगता है वापस आ जाती है, देखा है देखा तो है। बस तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है। खानम, पुलिस को कॉल करें फौरन। क्या बात है शिजा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा फिर से कहना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी? मैं उम्मीद खो बैठा था लेकिन थी। क्या कह रहे हैं? मैं छोड़ो क्या कह रहा हूँ, तुम देखो क्या किस तरह कह रही हो, अपनी आवाज सुनिए, तुमने इंसान की तरह लग रही हो। ले सुनो अपनी, ओह मामू, मैं अपने दिमाग में हमेशा से ऐसी बात करती हूँ। किस किस्म के डॉक्टर हैं आप, इतना नहीं पता चला? इसीलिए आप एक नाकाम डॉक्टर, एक नाकाम शायर और एक नाकाम आशिक हैं। और ये डायग्नोसिस मैंने 7 साल की उम्र में कर लिया था, बाय द वे। यानी कि इतने अरसे से तुम मुझे ही मामू बना रही थी? मामू तो आप मेरे हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट। ये भी आपका एक मसला है, फैक्ट्स फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। और ये भी एक फैक्ट है कि तैमूर गायब है। तैमूर कहाँ है? तैमूर? कौन तैमूर? ओ, अपना तैमूर। अच्छा, हमें क्या मालूम कहाँ है, आवारा गर्दियां कर रहा होगा कहीं। अरे भाई, आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही हो, कुछ बोलो ना अपने नए अंदाज में। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि एक शायर बदमाश कैसे बन गया। कौन सा शायर? अपने मामू को बदमाश कह रही हो शिजा? ये बात करने के अंदाज के हद तक ठीक था, ये कंटेंट मत बदलो तुम। चलें, मेरा तो बात करने का अंदाज बदल गया है ना, आप तो पूरे के पूरे बदल गए। एक तो मेरे बुलावे पे इस घर में आके नामुनासिब हरकतें कर रहे, इश्क लड़ा रहे हैं, और आपकी नाजेबा हरकतों पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको खामोश कर रहे हैं आप। भाई हमने किसको खामोश किया, कौन आवाज उठा रहे? अपनी आवाज सुन लो, केतली की सीटी की तरह बज रही है। अच्छा नहीं क्या हमने? हमारा ख्याल है आपको रोजा लगा,
रोजा आपके सर पे चढ़ गया है और कोई वजह हो ही नहीं सकती। अंदाज भी बदल गया, बात भी बदल गई। आप जाएं, आराम करें, शाम को इफ्तारी की बात करें। मुझे रोजा नहीं लग रहा। तैमूर दिन दिहाड़े अगवा हो गया है और ये आपने कहा था कि आप उसको गायब करवा दें। याद रखिएगा मामू, मुझे तैमूर वापस चाहिए। सुना आपने? चंद दिन गुजरे हैं खानम को देखे हुए और आपने लोगों को गायब करवाना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा मामू, मैं आप ही की भांजी हूं। एंड लव इज अ डेंजरस बिजनेस। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड पापा।